अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो हम आपके लिए लाए हैं बिहार बोर्ड से संबंधित पांच काम की खबर। यहां पर आप बिहार बोर्ड से संबंधित पांच बड़ी खबर को जानेंगे। मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, पार्ट वन में नामांकन कब से होगा, स्क्रूटनी या चैलेंज के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे, कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे, चैलेंज और कंपार्टमेंटल एक साथ कर सकते हैं, चैलेंज करने से मार्क घटेगा या बढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का मार्क अलग अलग कैसे देख सकते हैं, तो इन तमाम बातों की जानकारी आप इस वीडियो में पाएंगे। सुबह सुबह बिहार बोर्ड से संबंधित जानकारी पाने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही दें। यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तमाम बातों की जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दिन में 25 से अधिक कॉपी जाँचेंगे परीक्षक। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैट्रिक कॉपी की जो है जाँच अभी भी बची हुई है, इसलिए मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो इन बातों को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट वन में एडमिशन की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीयू एडमिशन होगा सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन आवेदन, कॉलेज ही निकालेंगे कट ऑफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 अप्रैल से पीयू पटना यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन शुरू होंगे और किस विषय में कितनी सीटें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम बात BNMU की कर लेते हैं। तो BNMU में देख सकते हैं इसका एकेडमिक कैलेंडर जारी हो गया है और BNMU जो है 1 मई से 20 मई तक आवेदन लेंगे। इनके लिए आप विस्तार पूर्वक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और उसमें इन सभी जानकारी को पा सकते हैं। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है कोरोना महामारी को लेकर, तो पहले उनसे संबंधित सभी जानकारी को जान लेते हैं, उसके बाद इन तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। वीडियो को बीच में छोड़कर इधर उधर गए तो इन सभी जानकारी को आप मिस कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वापस होगी 21 मार्च से 14 अप्रैल तक के टिकटों की पूरी राशि, यानी 21 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक की जिसकी बुकिंग है उनके टिकटों की राशि जो है वापस की जाएगी। अब अगली खबर को आप जान लीजिए, PM के मन की बात, लॉकडाउन से हो रही परेशानी पर माफ़ करे देश वासियों से माफ़ी मांगी है PM ने। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पटना में कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज हुए ठीक, यानी कोरोना के जो लक्षण 2 मरीज में पाए गए थे वे ठीक हो चुके हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगली बड़ी खबर, दरोगा सर्जेंट बहाली की मुख्य परीक्षा स्थगित। आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अक्षय कुमार ने कोरोना से लड़ने को दिए 25 करोड़, PM ने किया स्वागत। अब उसके बाद देख सकते हैं कि सलमान खान ने कितना दिया है, तो सलमान खान 25,000 मजदूरों के खाते में भेजेंगे पैसे, यानी फिल्म इंडस्ट्री से जो भी मजदूर लगे हुए हैं उनके खाते में सलमान खान जो है कि रुपये भेजेंगे। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि और किस स्टार ने कितनी राशि दी है, यहाँ पर देख सकते हैं कि वरुण धवन ने दिए 55 लाख। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पवन कल्याण 2 करोड़ दिए हैं, महेश बाबू 1 करोड़, चिरंजीवी 1 करोड़, रामचरण तेजा 70 लाख, रजनीकांत 50 लाख। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि गूगल करेगा 59 करोड़ रुपये की मदद। तो गूगल जो है कोरोना से निपटने के लिए 59 करोड़ की मदद करेगा। तो यहाँ पर आप 12वीं पास छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है, 500 में सब्जेक्टिव और 100 में ऑब्जेक्टिव पेपर की कॉपी, यानी बिहार बोर्ड से आप 500 में सब्जेक्टिव की कॉपी और 100 रुपये में ऑब्जेक्टिव की कॉपी मंगवा सकते हैं। उनके फोटो स्टेट आपको भेजे जाएंगे। जो भी स्टूडेंट अपने मार्क से संतुष्ट नहीं है वे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है, जल्द ही आवेदन शुरू की जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है, जो भी स्टूडेंट जानना चाह रहे थे कि उनको ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क है, सब्जेक्टिव में कितना मार्क है। अब हम बात कर लेते हैं स्क्रूटनी या चैलेंज के लिए ऑनलाइन। तो स्क्रूटनी और चैलेंज के लिए ऑनलाइन जो जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ था उस दिन की जो खबर है उसके अनुसार 15 अप्रैल के बाद ली जाएगी। वहीं कंपार्टमेंटल के लिए एग्ज़ाम के लिए जो आवेदन है वह भी 15 अप्रैल के बाद ही ली जाएगी। जो भी स्टूडेंट यह जानना चाह रहे हैं तो क्या चैलेंज और कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए फॉर्म एक साथ भर सकते हैं, तो ज़रूर भर सकते हैं। चैलेंज और कंपार्टमेंटल के फॉर्म साथ साथ आप भर सकते हैं, इसलिए आप लोग कोई सस्पेंस में नहीं रहे। अब देखिए चैलेंज का रिजल्ट पहले आ गया और आपको अच्छा मार्क मिल गया, आप संतुष्ट हो गए तो आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में भाग नहीं लीजिए, या आप संतुष्ट नहीं है तो पुनः आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं।
बात कर लेते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट को लेकर के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 31 मार्च के बाद, यानी बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च के बाद ही जारी करेगा, क्योंकि अभी तक मैट्रिक की जो है कॉपी जाँच समाप्त नहीं हुई है, तो इसलिए रिजल्ट इससे पहले जारी नहीं किया जा सकता है। 31 मार्च तक मूल्यांकन कार्य को स्थगित रखा गया है। अब देखिए 31 मार्च के बाद ही आप लोग फाइनली जान सकते हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है कॉपी जांच शुरू की जाए या नहीं की जाए। अगर 1 या 2 अप्रैल से मैट्रिक कॉपी जांच शुरू हो जाती है तो 6 या 7 अप्रैल को मैट्रिक का रिजल्ट आ सकता है। अगर 14 अप्रैल के बाद मैट्रिक की कॉपी जाँच शुरू होती है तो 20 से 25 अप्रैल के बीच में मैट्रिक का रिजल्ट आ सकता है। तो यही मैट्रिक रिजल्ट की संभावित तिथि हो सकती है। अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और सुबह सुबह बिहार बोर्ड से संबंधित जितनी छोटी बड़ी खबरें होगी उन सभी खबरों को इस वीडियो में पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।